गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी विल स्टडी लेसन 3 इन SST। नेम ऑफ द लेसन फन विद द फैमिली, है ना। अपनी फैमिली, अपने परिवार के साथ फन करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो आइए पढ़ते हैं। वी प्ले एंड हैव फन इन आवर फ्री टाइम एट होम, ठीक है। हम अपने घर पर फ्री यानी खाली समय में क्या करते हैं, खेलते हैं, फन करते हैं, मस्ती करते हैं, ठीक है। प्ले एंड फन मेक अस फ्रेश, है ना। खेलना, कूदना, फन करना, मस्ती करना हमें फ्रेश करता है, तरोताज़ा करता है, ठीक है, हमारे माइंड को फ्रेश करता है ना। दे गिव अस जॉय, ये हमें आनंद देते हैं, ठीक है। इन द इवनिंग वी सिट विथ आवर पेरेंट्स, शाम के समय हम अपने पेरेंट्स यानी माता पिता के साथ बैठते हैं, ठीक है। वी प्ले हाइड एंड सीक, और क्या करते हैं, हम लुका छिपी का गेम खेलते हैं, है ना। हाइड एंड सीक यानी लुका छिपी का गेम खेलते हैं, ठीक है। वी सिंग एंड डांस, है ना, हम गाना गाते हैं, डांस करते हैं, नाचते हैं, ठीक है। वी प्ले विथ द टॉयज, और क्या करते हैं, हम अपने खिलौनों से खेलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वी लिसन टू रेडियो, है ना, और क्या करते हैं, हम रेडियो सुनते हैं, ठीक है। वी वॉच टेलीविज़न, टेलीविज़न यानी टीवी देखते हैं। वी प्ले इंडोर गेम्स लाइक कैरम एंड लूडो, है ना, और क्या करते हैं, हम इंडोर गेम यानी घर के अंदर जो गेम खेलते हैं उसे क्या कहते हैं, इंडोर गेम्स कहते हैं, और जो घर के बाहर खेलते हैं गेम उसे कहते हैं आउटडोर गेम, ठीक है। तो इंडोर गेम कौन कौन से होते हैं, कैरम हो गया, लूडो हो गया, चेस हो गया, ये सब इंडोर यानी घर के अंदर खेलने वाले गेम हैं। और आउटडोर गेम कौन से होते हैं, जो घर से बाहर खेलते हैं, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, है ना, ये सब जो है आउटडोर गेम हो गया, और घर के अंदर जो खेलते हैं उसे इंडोर गेम खेलते हैं कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया इंडोर गेम, है ना। तो हम फ्री टाइम में क्या करते हैं, है ना, इंडोर गेम खेलते हैं, जैसे कि कैरम हो गया, लूडो हो गया, ठीक है। वी ड्रॉ एंड पेंट पिक्चर्स, है ना, और क्या करते हैं, हम करते हैं, हम ड्राइंग करते हैं, पेंट करते हैं पिक्चर्स को, ठीक है। नेक्स्ट, वी रीड बुक्स, है ना, और हम बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, किताबें पढ़ते हैं। वी लिसन टू स्टोरीज एंड जोक्स, और क्या करते हैं, हम कहानियाँ सुनते हैं, है ना, जोक यानी चुटकुले सुनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वी कैन हैव फन विथ आवर फैमिली मेम्बर्स इन मैनी अदर वेज, है ना, और अपने हम फैमिली मेम्बर्स के साथ, है ना, परिवार के सदस्यों के साथ और भी कई तरह से फन करते हैं, ठीक है, फन कर सकते हैं, है ना। तो कैसे, वी गो टू अ पार्क, है ना, एक पार्क में जा करके हम फन करते हैं, है ना। वी गो आउट ऑन पिकनिक, है ना, घर से बाहर जा करके पिकनिक मनाते हैं, वहाँ पर जा करके हम फन कर सकते हैं, ठीक है। वी गो टू अ सर्कस, ठीक है, एक सर्कस में जाते हैं, वहाँ पर फन करते हैं, ठीक है। वी गो टू अ फेयर, फेयर यानी मेले, मेले में जा करके हम फन करते हैं। वी गो टू सिनेमा, है ना, सिनेमा जाते हैं तो वहाँ पर फन करते हैं, ठीक है। वी विजिट द जू यानी चिड़ियाघर जा करके हम फन करते हैं, ठीक है। समटाइम्स वी ऑल गो फॉर शॉपिंग टुगेदर, और कभी कभी हम क्या करते हैं, है ना, अपनी पूरी फैमिली के साथ, अपने पूरे फैमिली के साथ खरीदारी करने भी जाते हैं मॉल में, है ना, शॉपिंग करने, है ना, कहीं भी, ठीक है। समटाइम्स वी विजिट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और कभी कभी क्या करते हैं, हम अपने रिलेटिव्स यानी रिश्तेदारों के घर जाते हैं, वहाँ पे फ़न करते हैं। जैसे आप लोग भी जाते होंगे, है ना, समर वेकेशन पड़ता है, छुट्टियाँ पड़ती हैं स्कूल की, तो आप लोग भी जाते हैं अपने, है ना, नानी घर, दादी घर, कहीं भी जाते हैं ना फ़न करने, या फिर कहीं और भी दूसरे जगह भी आप लोग जाते हैं, तो इसी तरह, है ना, तो विज़िट करने जाते हैं कहीं भी, तो इसी तरह, है ना, कभी कभी कहीं भी मतलब जा कर के फ़न करते हैं। इस तरह से हमारा माइंड क्या होता है, फ्रेश होता है, है ना। तो फ्रेंड्स के घर, रिलेटिव्स के घर कभी कभी हम जा कर के फ़न कर सकते हैं, ठीक है।
ऑल वर्क एंड नो फन मेक्स अस डल, है ना। अगर हम सारे हर समय कुछ काम करते रहें, है ना, और फन नहीं करें, मस्ती नहीं करें, तो क्या हो जाएंगे, हम डल हो जाएंगे, यानी सुस्त हो जाएंगे, है ना। तो बट वी शुड हैव फन एट द प्रॉपर टाइम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त हम खेलते ही रहें, है ना। अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए ये नहीं कि हम हमेशा खेलते ही रहें, इससे हम तरोताजा रहेंगे, ऐसा नहीं है ना। पढ़ाई के समय पर पढ़ाई करें, हर मतलब प्रॉपर टाइम पर वो वर्क करें, ठीक है। अगर खेलने का समय है तो आप खेलिए, पढ़ने का समय है तो पढ़िए, है ना। ऐसा नहीं कि एक ही काम हम खेल रहे हैं तो दिन भर हम खेलते ही रह रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं करने। पढ़ना भी ज़रूरी है और खेलना भी ज़रूरी है, ठीक है। खेलने के लिए मना नहीं है, लेकिन खेलिए, लेकिन प्रॉपर टाइम पर, ओके। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसकी एक्टिविटीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, बताएंगे हम आपको। तो थैंक यू एवरीवन।